अररिया के एक शिक्षक ने आज बड़ी बात कह दी। आज हमारी टीम अररिया के एक गांव पहुंची तो एक रिटायर्ड और अनुभवी शिक्षक से टकरा गई। जब हमारी टीम ने चुनाव को लेकर उनसे बात की तो शिक्षक महोदय ने जो कहा वो सुनने और समझने लायक है। तो चलिए चलते हैं वहां जहां अररिया बोल रहा है। और सब चुनाव में जिस प्रकार से बोलते थे हम फलाने को देंगे, इनकी हवा है, उनकी हवा है, उनकी हवा है, उस तरह की बात इस साल के चुनाव में हिंदुस्तानियों को बेवकूफे बना करके तो सरकार बोल रही है, मोदी साहब बोल रहे हैं कि 70 साल में इसने क्या किया, तो आपने 10 साल में क्या किया? आपने भी तो कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में देंगे, कहाँ गया? अररिया बोल रहा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है अररिया में, अररिया के ग्रामीण क्षेत्र में पहुँच कर जो है जनता की राय जो है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे। ये रामपुर चौक है, हमारे साथ एक चचा है, हेलमेट लगा के निकल ही रहे थे, उनको हम रोक लिए, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है आपकी बार किन की सरकार जो है आ रही है? क्या नाम हुआ चचा आपका? हम सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। रिटायर तो हो ही है ना? रिटायर हो गया। नाम बताने में क्या था? नाम क्या कीजिएगा? अच्छा क्या, अच्छा छोड़िए नाम बनने बताइएगा, छोड़िए। क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बन रही है? देखिए लोग चुपचाप हैं, कोई भी व्यक्ति यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम किनको वोट देंगे। फिर भी हवा तो पता चल रहा है, तो बुझा रहा है पहले चुनाव से, इस चुनाव में कुछ परिवर्तन ऐसा बुझाता है। अब अंडरग्राउंड क्या होगा वो तो 4 जून ही ना बतलाएगा। ईवीएम से क्या निकलेगा पता क्या निकलेगा, ईवीएम से क्या निकलेगा। लेकिन लोग और सब चुनाव में जिस प्रकार से बोलते थे हम फलाने को देंगे, इनकी हवा है, उनकी हवा है, उनकी हवा है, उस तरह की बात इस साल के चुनाव में नहीं। इस साल के चुनाव में नहीं। तो ये इस बार क्या लग रहा है, बदलाव हो सकता है? बदलाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 400 पार जो मोदी जी कह रहे हैं, फिर वो बात तो बेकार है, बेकार वाली बात, वो बात तो बेकार है। इतनी बात तो निश्चित है, जेपी नड्डा आ रहे हैं आपके धर्मगंज मैदान। नड्डा आ रहे हैं, जेपी नड्डा माननीय नड्डा साहब बीजेपी के सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन नड्डा या गडकरी किन्हीं का मोदी जी चलने कहाँ देता है? नहीं चलने देता, किन्हीं का कुछ नहीं चलने देता है। वो जिस संस्थान से आए हुए हैं आरएसएस के सिद्धांत से, आरएसएस के सदस्यों का पदाधिकारियों का भी इज्जत नहीं करना चाहते हैं। जो इनको थोड़ा क्रॉस किया किसी वर्ग में उनको गेट आउट, बाहर का रास्ता दिखा, बाहर का रास्ता दिखला देते हैं। ये कौन तरीका है? ये कि हिंदुस्तान ऐसे सम्मानित जगत गुरु कहा जाता है इस देश को, वहाँ के प्रथम पद पर जो आसीन है मोदी साहब, ये कौन मंगल सूत्र बिक जाएगा, यही हो जाएगा, तुम्हारी कमाई को लोगों में बांट दिया जाएगा, यही अमुक लोगों में बांट दिया जाएगा, अमुक लोगों में, अमुक लोगों में नहीं जिनको अधिक बच्चे हैं, समझ लो को कौन है अधिक बच्चे वाले, उसे भरभरी। अच्छा, एक चीज ये भी बता दीजिए, 75 साल तो रहा ना सरकार में, आखिर यूपीए की सरकार रही ना, क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या कुछ विकास हुआ 75 साल? यही बात तो है, नेतागण बोलते हैं जो 75 साल 70 साल आजाद होने के बाद सरकार बनने की उम्र अभी तक हुए 75 साल हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। आपका पहला चुनाव 1952 में हुआ है, 52, 48, 100, 24, 48, 24, 72 वर्ष में 4 ईस्वी के बाद तो मोदी जी का सरकार है ना, 32 साल अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार हुई, तो हम हिंदुस्तानियों को बेवकूफे बना करके ना सरकार बोल रही है, मोदी साहब बोल रहे हैं तो 70 साल में इसने क्या किया, तो आपने 10 साल में क्या किया? आपने भी तो कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कहा था ना काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में देंगे, कहाँ गया? जो नोटबंदी जो भी उससे फर्क पड़ा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ा, और यहाँ का आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। आज आपके मनी का क्या वैल्यूएशन है? $1 के लिए आपको 96.35 रुपया भारतीय कॉइन्स को देना होता है। आज से 6 महीना क्या ये था? वित्तीय स्थिति अगर देखिए तो आर्थिक स्थिति जो यहाँ की थी,
मनमोहन सिंह के समय में क्या थी और अभी क्या है? बदलाव हुआ, बोल दिए बदलाव, लोग यहाँ समझते नहीं है, महंगाई में बदलाव हो गया, हम विरोध, महंगाई बढ़ गया, यही बदलाव है। किसी दल का विरोध करते हैं ऐसी बात नहीं है, हम विरोध नहीं करते हैं, हम टीचर आदमी हैं, जिंदगी में आज तक मतदान नहीं किए हैं, टीचर मतदान नहीं किए हैं, सब रोज जाते थे इलेक्शन कराने के, पहले जो वोटिंग हो जाता है टीचर का, तो पहले हमने लिफाफा वोटिंग कभी नहीं किया, ये एक बार लास्ट बैलेट वाला नहीं किए, नहीं किए, इस बार कीजिएगा कि नहीं? इस बार तो करेंगे, ये बार तो ईवीएम पे कीजिएगा पहली बार। हाँ करेंगे, मतलब जैसे युवाओं से हम बात करते हैं वैसे लग रहा है आपसे बात कर रहे हैं, पहली बार वोटिंग कीजिएगा ईवीएम पे, उत्साह होगा, परिवार वोटिंग करेंगे, वोटिंग कहन करेंगे, वो तो हमारा अधिकार न है, पहली बार न कर रहे हैं मतलब कि ईवीएम पे? हाँ, पहली बार करेंगे। कब रिटायर कर गए? रिटायर हम 18 में किया, 19 में भी तो वोटिंग का मौका मिला, हम वोट नहीं किए थे, बाहर से ट्रीटमेंट में चले गए थे पूर्णिया। क्या नाम है आपका? संतोष शाह। कितना रुपया करके पान खिला रहे हैं? कितने रुपए करके पान खिला रहे हैं? पान 10 रुपया तक है, 5 रुपया है, 6 रुपया है। अच्छा अच्छा, ये बात बताइए, अररिया से क्या लग रहा है आपकी बात? नहीं बता सकेंगे, नहीं वोट कीजिएगा? नहीं वोट तो करते हैं, कीजिएगा, किसको दीजिएगा? जिधर 10 जाएगा उधर चले जाएगा, जिधर 10 जाएगा उधर चले जाएगा, वही सिकंदर। अगले बार प्रदीप सिंह का साथ दिए थे, जीत तो वही ना गए थे, प्रदीप सिंह हो या मोदी जी, काम जो अच्छा करेगा, जो बढ़िया रहेगा उसको वोट दिया जाएगा। मोदी जी काम नहीं कर पाए? ना मोदी जी करते हैं काम, जाएगा उधर चले जाएगा, जिधर 10 जाएगा उधर चले जाएगा, वही सिकंदर। अगले बार प्रदीप सिंह का साथ दिए थे, जीत तो वही ना गए थे, प्रदीप सिंह हो या मोदी जी, काम जो अच्छा करेगा, जो बढ़िया रहेगा उसको वोट दिया जाएगा। मोदी जी काम नहीं कर पाए? ना मोदी जी करते हैं काम, मोदी हम बोले कहाँ की मोदी जी काम नहीं कर रहे, तो बात बोले, तो किसको चुन रहे हैं? मोदी जी भी काम किया है तो आखिर उनपे क्या कमी रहेगी? हम क्या चुनेंगे, चुनने वाला 10 आदमी जिधर जाएगा उधर जाएगा, जो देहात न है ये कोनो शहर थोड़े है क्या, 10 आदमी जिधर जाएगा जो कहा उधर सब आदमी वोट जाएगा, देहात में तो यही बात होता है। देखिए हमारे साथ और कुछ लोग हैं, दुकान पे बैठे हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद परवेज आलम। परवेज जी क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? क्या लगेगा, अभी मतदान थोड़े हुआ है, अभी तो दो चरण तो खत्म हो गया, हुआ होगा उधर हमारे यहाँ ना हुआ, हम लोग भी देख रहे हैं जिधर ज्यादा पब्लिक जहाँ जिधर जाएगा जो जीतने। अच्छा, शाहनवाज जी कैसे हैं नेता? देखिए शाहनवाज जी भी नेता ठीक है, बाकी रहा कि उसका बाबू जी अच्छा जो भी था, अब शाहनवाज जी आए हैं, अब वो भी विकास जैसा करेंगे, पब्लिक उसको जैसा चुनेगा, सबका समर्थन जैसा जो अच्छा लगेगा, कोई हम लोग को कम आगे नहीं खिला रहा है, जैसे मान के चलिए प्रदीप सिंह हुआ या सरकार, तो ये है जो हम लोग कम आगे ऐसे भी खा रहे हैं, ऐसे भी खाएंगे, जो भी जो जीते जिसका पल्ला भारी रहेगा उसे हम लोग। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, मोबाइल दुकान, चाय का दुकान, देखिए कितना सुंदर चाय का दुकान है, बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम अजहर है। अजहर जी क्या लग रहा है आपकी बात, किसकी सरकार बन रही है? लग कैसा रहा है, ये धूप तो इतना है कि लग वैसा ही रहा है, नहीं देखते हैं सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया तो नहीं फसल बर्बाद हो गया क्या? फसल बर्बाद काहे के लिए होगा, फसल के लिए तो पूरी है। सुन रहे हैं क्या कि नहीं धूप के कारण आम की जो आम की पैदावार जो है वो कम हो गई? नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आम तो हुए करेगा। चाय का दुकान आप ही का है? नहीं वो उसका चाय पीने आए। अच्छा ये ना लगता है मोदी जी काम किए हैं कि नहीं किए हैं, बताइए मोदी जी किस प्रकार का, मोदी जी का कार्यकाल कार्यकाल जो रहा है 10 साल तक का, कौन सा काम करेंगे? वो हल जोतने थोड़ी जाएंगे, काम किए हैं जो जिस प्रकार से देश को चलाए हैं, ठीक चलाए हैं अब तक क्या? ओ, पूरा देश तो अभी तक घूमे नहीं किए तो कहाँ से जानेंगे कि देश चलाए कि नहीं बाहर चलाए, घूमे नहीं किए हैं देश तो, यहीं तक हम लोग का दुनिया है, बस 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 अररिया से बाहर नहीं। अररिया मोदी जी आए नहीं अभी, अररिया में तो मोदी जी आए थे, वो तो फारबिसगंज में आए थे जनसभा संबोधित, तो फारबिसगंज आए थे, नहीं गए देखने के लिए। मोदी जी हमको इन्वाइट नहीं किए, जाएंगे कार उठने भेजा आपको? नहीं मोदी जी भेजे, जेपी नड्डा आया है कल आएगा पता है आपको? बोलिए पहले, इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पे उतर रहे हमको कार्ड में, आपका जेपी नड्डा नहीं कार्ड उठने दिया ना, इसीलिए नहीं जाइएगा? नहीं 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 जाइए,
बिन बुलाए नहीं जाएंगे, फिर भाड़ा किराया लगेगा, आप ही भर दीजिए तो चले जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रकांत झा। चंद्रकांत झा जी, क्या लग रहा है? क्या, कौन जीतेगा? मोदी। मोदी? हाँ, मोदी का काम 5 गिनवाइए तो तभी ना समझेंगे जीतेगा। सारा विकास तो वही किया है। 5 काम जिताइए। कौन सा काम? ढेरी काम किया है, तब ना समझेंगे जीतेगा। काम किया है, पुल का काम किया है, कौन सा काम नहीं किया? वही तो 5 काम गिनाइए। लोगों में पैसा देता है और क्या करेगा? पैसा देता है, नहीं देता है, किसान को रुपया देता है, वृद्धा देता है, ढेर तरह का पैसा देता है। तो पहले भी मिलता, पहले नहीं मिलता था किसान को रुपया? नहीं मिलता था। नहीं, नहीं मिलता था पैसा। आपको मिल रहा है किसान को पैसा? अभी मिल रहा है। मोदी जी को वोट? मोदी को? हाँ, मोदी को वोट है, हिंदू लगभग मोदी को वोट देगा। हाँ, प्रदीप सिंह पसंद है? हाँ पसंद। प्रदीप वो कुत्ता को भी दे देगा वोट, उसी को मिलेगा। कुत्ता को दे देगा? कुत्ता को भी टिकट दे देगा बीजेपी, उसी को वोट मिलेगा सीधा। हाँ, इसके बाद यहाँ तो प्रदीप सिंह को है, तो कुत्ते समझिए वो। हाँ, कुत्ते समझ के हम लोग वोट दे देंगे, हो गया। हाँ, हाँ। बताइए क्या सब बात बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि कुत्ता को टिकट दे दीजिएगा तो वो भी बीजेपी के नाम पर वोट मिल जाएगा। क्योंकि हमारे साथ एक चाची भी हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? क्या नाम हुआ? सरिता देवी। क्या करते हैं काम? मछली बेचते हैं। मछली बेचते हैं, बिक्री होती है? हाँ, बिक्री होती है। अच्छा, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? अररिया से के जीत रहा है? प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह कब? और ये जो है प्रधानमंत्री किसको पसंद करो? प्रधानमंत्री के रूप में किसको पसंद करो? किसके पसंद करे? मोदी है, राहुल गांधी है, किसको पसंद? सब खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी है। मोदी है? मोदी क्या क्या कर दिया? जो कर दिया मोदी, रोड गली गली रोड बना दिया, सब चीज कर दिया है। हाँ, 5 चावल देता है, उसी तो खुश नहीं? सब चीज खुशी है। वही 5 चावल से? 5 चावल। तो देखिए, हम लगातार जो है जगह जगह जाकर राय लेने का प्रयास कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी हमारे कैमरे के पीछे थे अमृत, मैं हूँ राजीव रंजन।